तो यार वेलकम है आप सभी का फ्री फायर की एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो यहाँ पे डायमंड रॉयल में फीमेल का जो न्यू बंडल आया है, आप उसे ओनली वन स्पिन में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसे एक स्पिन में कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ। और यहाँ पे नीचे की साइड में आप मेरे डायमंड रॉयल वाउचर्स देख सकते हैं, चार ही डायमंड रॉयल वाउचर्स हैं। तो चलो यार अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैं अपनी खुद की कोई भी ट्रिक नहीं लगाने वाला हूँ। यहाँ पर जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे बंदे हैं जिनके यहाँ पर न्यू बंडल निकल जाते हैं वन स्पिन में या फिर दो तीन स्पिन में निकल जाते हैं, तो हम उनकी ट्रिक को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और उनकी ट्रिक को यूज करने के बाद देखते हैं हमारा फीमेल बंडल जो है, जो डायमंड रॉयल का न्यू बंडल आया है, वो निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कैरेक्टर में। कैरेक्टर में जाने के बाद हम कोई एक नूबड़ा कैरेक्टर जो है चूज कर लेंगे। तो चलो मैं यहाँ से एडम को लगा लेता हूँ, और एडम को लगाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से कलेक्शन में। कलेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ से सभी चीज़ों को अनइक्विप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो फटाफट से हम कर देते हैं, आप भी ऐसे ही करना। और यहाँ पर जो हमारा रेयर आइटम निकलने के चांस होते हैं वो भैया यहाँ पे हो जाते हैं 99%। तो चलो मैं सभी चीज़ों को यहाँ से अनइक्विप कर लेता हूँ फटाफट से, और अभी हम देखेंगे यहाँ पे निकलता है या नहीं निकलता है। तो वेपन में जाएंगे, अनइक्विप कर देंगे सभी चीज़ों को, और अभी आपके सामने देखते हैं यार निकलता है या नहीं निकलता है। बहुत सारे बंदे लोगों का निकल जाता है, हम फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं और मैं पहली बार कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वन स्पिन में निकालने की कोई ऐसी वीडियो फर्स्ट बार बना रहा हूँ, और यार निकाल के तो दिखाऊंगा ही क्योंकि मेरे पास डायमंड भी है। हम यहाँ पे अगर नहीं निकलता है तो हम स्पिन भी कर लेंगे। ठीक है, निकाल के तो रहेंगे ही भैया, अगर इस ट्रिक से नहीं निकलेगा तो अपने डायमंड वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर निकालेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से सभी चीज़ें अभी अनइक्विप होने ही वाली हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, तो होने ही वाली है। ठीक है, और मुझे लगता है भाई यहाँ पे जो है निकल भी सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो चलो सभी चीज़ें हमने यहाँ से जो है अनइक्विप कर दी हैं, और इमोट तो भैया चलो इमोट तो रहने देते हैं क्योंकि वो इमोट तो नहीं बताते। और अभी हम चलेंगे यहाँ से लक रॉयल में। लक रॉयल में जाने के बाद यहाँ पे वो बताते हैं जो, तो आपको एक या दो बार इस बंडल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा स्पिन कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पे निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, आपके सामने तो ये देख लो क्या निकला है, वापस से स्पिन करेंगे। आप यहाँ पे देखना कितने स्पिन में निकलने वाला है, अभी चार डायमंड रॉयल वाउचर थे तो नहीं निकला। तीसरी स्पिन करेंगे, देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है, तो देखेंगे यहाँ पे निकलेगा या नहीं, तो नहीं निकला। चौथी स्पिन करेंगे, निकलेगा या नहीं निकलेगा भैया, तो देखेंगे अभी निकलेगा या नहीं, तो नहीं निकला यार। चलो अभी एक डायमंड रॉयल वाउचर और मिलेगा। पांचवी स्पिन करेंगे, देखेंगे निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा यार। चलो एक डायमंड रॉयल वाउचर और लेकर आते हैं, वहाँ पर हमारे पास FF टोकन जो हैं, तो एक डायमंड रॉयल वाउचर्स लेके आएंगे यहाँ से। तो वापस से चलेंगे लक रॉयल में, और लक रॉयल में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे निकलेगा भैया नहीं, यार निकल जा यार, तो देखते हैं निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकला बाबू। तो चलो यहाँ पे डायमंड भी, डायमंड की स्पिन करेंगे, देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। सारे डायमंड उड़ा दूंगा आज जितने भी हैं मेरे पास, वैसे तो मैं कभी डायमंड की स्पिन नहीं करता। तो आपके सामने देख लो यहाँ पे हमारी, निकल जा भाई निकल जा, कब निकलेगा कब निकलेगा। और यार यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहा वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहा है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे हमारी 10 से ज़्यादा स्पिन हो चुकी हैं, और अभी हमारे पास डायमंड भी नहीं बचे। ठीक है, तो यार यहाँ पे देख लो एक डायमंड रॉयल वाउचर्स और है, तो
मैंने आपके सामने अभी सभी ट्रिक को यूज़ किया, और चलो यार ये तो बढ़िया है, ये बैग पैक जो है निकल गया, ये तो बढ़िया निकल गया। ठीक है, यहाँ पे इतनी स्पिन में कुछ तो मिला। तो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो बंदे लोग ट्रिक बताते हैं वो यार यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करती, मतलब 50% से ही काम करती है मुझे लगता है। और जिन बंदों की लेवल जो है यहाँ पे 25 से 30 लेवल होती है उनके निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उन बंदों के पास कलेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं होता, कम ही कलेक्शन होता है, जिस वजह से उनका जो है रेयर आइटम निकल जाता है। ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा गेम प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिन करते हैं 6,000-7,000 डायमंड की, उनके पास निकलता है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा आपको स्पिन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सब कुछ करके यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। चलो एक स्पिन और करके देखेंगे, यहाँ पे मुझे एक आइडिया आया है शायद। चलो यार स्पिन तो नहीं होगी, वो तो वापस से 58 डायमंड ही रहेंगे, यहाँ पे अगर 60 डायमंड होते तो एक स्पिन और करते। ठीक है, तो चलो यार बाय बाय।